उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू रेसिपी, भटूरे की रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे आप 500-600 रुपए का भटूरा खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, उससे भी अच्छा भटूरा आपको आज बनाना सिखाऊंगी, उसके ट्रिक सिखाऊंगी कि आप घर में ही बहुत कम पैसों में भटूरा बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। सो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 से 3 कटोरी मैदा ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल सोडा ऐड करूँगी। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड ऑयल, थोड़ा थोड़ा रिफ़ाइंड ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल डाल के और इसको अच्छे से ऑयल और मैदे को हल्का हल्का मिक्स कर लूँगी। देखिए, जिस तरीके से मैं ये भटूरे का डो तैयार कर रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी करना है। और यही ट्रिक है एक अच्छा फूले फूले भटूरे बनाने के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट और क्रिस्पी जैसे भटूरे। तो अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगी कि कहाँ पर मैं कौन सा ट्रिक का यूज़ कर रही हूँ। सो, वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना करें। और तो देखिए, फिर मैं इसको इस अच्छे तरीके से इसका डो तैयार कर लूँगी।
देखिए यहाँ पर मैं भटूरे फ्राई कर रही हूँ और बन रहे हैं ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और बिल्कुल ही फूले फूले क्रिस्पी क्रिस्पी भटूरे। और ऐसा नहीं है कि एक भटूरे ही, जितने भी भटूरे आप बनाएंगे सारे भटूरे पूरे पूरे बहुत ही खाने में सॉफ्ट हेल्दी भटूरे मैं यहाँ पर बन रहे हैं मेरे। और आपको जो जो मैंने ट्रिक बताई है वैसे ही, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ वैसे ही आपको भी वही ट्रिक यूज़ करनी है, तभी आपके भटूरे बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे। सो बनकर तैयार हैं बहुत ही बढ़िया भटूरे, और अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो आज की आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए।